Welcome to my YouTube channel, that is Study with Pooja Mittal. Before starting this video, I just want to say that we are continue our chapter, that is Pest Management. जो Pest Management की book है, mainly मैंने जो उठा रखा है वो है BSc final year का syllabus zoology का. तो इसमें हम continuously अपने last videos में Pest Management के different types, different chapters, कैसे केमिकल कंट्रोल्स होते हैं, कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं. तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना चैप्टर लेके आए हैं रोडेंट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट की. रोडेंट पेस्ट की कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट प्लीज़ टेक ए पेन एंड ए पेपर इन योर हैंड एंड नोट डाउन दी नोट्स, नोट डाउन दी थिंग्स विच आई टोल्ड यू, आर मेक यूर सेल्फ नोट्स, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे. आपको साथ साथ समझ में भी आ जाएगा और नोट्स बनाओगे तो आपको साथ साथ लर्न भी हो जाएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं रोडेंट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट. इससे पहले मैं फिर एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना. मैंने बोर्ड का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो नोट्स बना रखे हैं मे बी ये आपको कॉपी के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे. तो इसलिए मैंने डायरेक्ट नोटबुक से अपने जो सेल्फ नोट्स हैं उनकी वीडियोज़ बनाई है. तो अब स्टार्ट करते हैं हम रोडेंट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट. तो रोडेंट्स का मतलब क्या होता है, जो सारे रैट्स और माउस जो होते हैं जो अपनी क्रॉप को डैमेज करते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, रोडेंट्स. तो रोडेंट्स का हम एक स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, फिर कौन कौन से जो रैट हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि कितने रैट्स हैं जिनकी टोटली ऑर्डर और मतलब कितने जिनेरा हैं, इंडिया के अंदर कितने हैं, और उनमें से इंडिया के अंदर मेनली कितनी वेराइटीज़ को हम पढ़ते हैं. और फिर हम क्या करेंगे कि जो हम ये वेराइटीज़ देख रहे हैं, आगे जो वेराइटी देखेंगे उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दिखते हैं और कैसे डैमेज कॉज करते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उनके आगे के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. आगे के पार्ट्स कौन से, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, मेथड ऑफ रोडेंट कंट्रोल, एंड बस यही है जो हम आगे के पार्ट्स हम जो पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं रोडेंट्स का इंट्रोडक्शन. रोडेंट्स आर ओल्ड पेस्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन. ह्यूमन सिविलाइजेशन से ओल्ड पेस्ट हैं, कॉज सीरियस डैमेज टू वेजिटेबल्स, क्रॉप, फ्रूट्स एक्सेट्रा. ड्यू टू हाई रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन डैमेज कैन बी मल्टीप्लाइड. ट्रांसमिशन द डिजीज लाइक बबोनिक प्लेग, रेबीज एक्सेट्रा. इन भगवत पुराण इफ डेड रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन हैबिटेंट्स आर वॉन्ट टू लीव द प्लेस. और एनुअल लॉस ड्यू टू रोडेंट इज अप्रोक्सीमेटली 30,000 crore ऑफ रुपीज. एंड देन सो पॉपुलेशन ऑफ रोडेंट पेस्ट शुड बी चेक्ड टाइम टू टाइम, अदरवाइज नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द टाइम टू कम. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रोडेंट्स अपने पुराने टाइम तक हैं, ये डैमेज करते हैं अपनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को, और अगर ये जो है ना इनकी डिजीज़ क्यों सबसे ज़्यादा फैलती जाती हैं, क्योंकि रोडेंट्स का रेट ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन है, रिप्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हाई है. रिप्रोडक्शन रेट हाई है तो डैमेज जो कॉज करेंगे ये वाला रेट भी डैमेज का भी हाई हो जाएगा. डैमेज रेट हाई हुआ तो बबोनिक प्लेग और रेबीज जो हैं ये एक्सेट्रा ये डिजीज के अंदर कॉज होती चली जाएंगी. और भगवत पुराण क्या है, ये अपने जो पुराण और जो होते हैं ना पुराने भगवत गीता इन सब में लिख रखा है कि जिस जगह पे रोडेंट्स आ जाएं और वो अगर डेड हों तो वहाँ से उनको चले जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे पीपल्स के अंदर. और इस जो हमने टोटल एस्टीमेट जो निकाला है अपना, वो एस्टीमेट कितना आया, 30,000 crore ऑफ रुपीज़ जो है अपना एस्टीमेट आया. सो पॉपुलेशन, इसलिए हमें टाइम टू टाइम ये जो रोडेंट्स की पॉपुलेशन इसको चेक करते रहना चाहिए कि यहाँ पर कम है या ज़्यादा है. अगर ज़्यादा हो तो उनको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, ताकि अपनी जो फ्यूचर जो जनरेशन है उनको सेफली सारे फूड मिल सकें और सारी क्रॉप्स मिल सकें. फिर हम आगे पढ़ेंगे कि रोडेंट पेस्ट स्पीशीज़ ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर रोडेंट्स की कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं और जो अपनी क्रॉप्स को डैमेज करती हैं. तो इससे पहले हम थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो रोडेंट्स हैं किससे बिलोंग करते हैं. ऑर्डर रोडेंटिया, ऑर्डर हो गया रोडेंटिया. इस रोडेंटिया के अंदर कितने जिनेरा हैं, अबाउट 351 जिनेरा आर प्रेजेंट इन ऑर्डर रोडेंटिया. इंडिया के अंदर कितने जिनेरा हैं,
इंडिया के अंदर इन 351 जिनेरा में से 45 जिनेरा हैं जो अपने इंडिया के अंदर जो वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं जो चार फैमिलीज से बिलोंग करते हैं. सो 45 जिनेरा बिलोंग्स टू द फैमिली फोर फैमिलीज. इन 45 जिनेरा में से जो 11 स्पीशीज़ हैं वे हम पढ़ते हैं और जो 11 स्पीशीज़ हैं वो अपने इंडिया में कॉज करती हैं मेनली सिग्निफिकेंट लॉस टू आवर क्रॉप इन इंडिया. तो सबसे पहले कितने थे, 351 जिनेरा जिसमें से 45 इंडिया में हैं जो फोर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जिनमें से 11 स्पीशीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं जो सिग्निफिकेंट लॉस करती हैं अपनी क्रॉप इंडिया की में. अमंग देम द प्रोमिनेंट स्पीशीज़ आर रेटस मेलेटोडा जिसका जो कॉमन नेम है फील्ड रेट, मस बोडुगा. हम 10 से 11 एग्जाम्पल याद करेंगे प्रोमिनेंट स्पीशीज़ में से, रेटस रेटस, रेटस नॉर्वेजिकस, मस मस्कुलस, मस प्लेटिथ्रिस, बैंडिकोटा इंडिका, बैंडिकोटा बेंगलिस और फुनेम्बुलस पेनेटी एंड हिस्ट्रिस इंडिका. ये हमने 10 नाम याद किए और इसके साइड में ये क्या है इसके कॉमन नेम्स इनके, फील्ड रेट, इंडियन फील्ड माउस. तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए और इसकी फ़ोटो लेने स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है. इसके आगे अब हम क्या करेंगे कि इनकी क्या क्या फीचर्स हैं, इनको हम कैसे लर्न करें, इसका हम ट्रिकी वे देखेंगे. अब ये क्या है, ये जो टेबल मैंने बना रखी है किसकी है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ रोडेंट प्रोमिनेंट पेस्ट. इसमें यहाँ पे हमने मैंने टेबल की फॉर्म में इन सब की स्टडी करवाई है यहाँ पे, इससे हमें जल्दी याद हो जाएगा और कंपैरेटिवली ज़्यादा एग्जांपल्स याद रहेंगे और ज़्यादा इनके फीचर्स याद रहेंगे. तो इनको हम बारी बारी सर पढ़ते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्या क्या लिख रखा है. सबसे पहले नेम जो ये हमने यहाँ पे साइड में नेम लिख रखे हैं और रेटस मेलेटोडा, मस्कुलर्स, रेटस रेटस, रेटस नॉर्वेजिका, मस प्लेटिथ्रिस, बैंडिका इंडिका, हिस्ट्रिस इंडिका, बैंडिकाटा बेंगलिंस. ये हमने 8 एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे. इनका फिर डिस्क्रिप्शन हमने नीचे लिखा है, डिस्क्रिप्शन की ये कहाँ पे मिलते हैं, फाउंडिंग अपेरेंस है इनकी डोर्सली वेंट्रली कैसे दिखते हैं, ब्रीडिंग टाइम क्या है, हेड कैसा है, टेल कैसी है, बॉडी कैसी है, फर कैसे प्रेजेंट है, इनके लीटर का साइज़ कितना है, हैबिट क्या है इनकी और हैबिटेट्स क्या हैं और नेचर ऑफ डैमेज क्या है इनकी, ठीक है. तो ये हम पूरा अपनी इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे. तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रेटस मेलेटोडा, मस मस्कुलर्स, रेटस रेटस, रेटस नोवेजिकस, मस प्लेटिथ्रिस, बैंडिकाटा इंडिका, हिस्ट्रिस इंडिका और बैंडिकाटा बेंगलिंस. तो यहाँ पे हमने क्या किया है देखिए कि कहाँ पे मिलते हैं ये, फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, सारे हैं इंडिया के मेनली. रेटस नोवेजिका का है, इंडिया का नहीं है, इसको बाहर से लाया गया है. और ये तो हैं ऑल ओवर इंडिया शुरू के 3, इनमें क्या है स्पेशल स्टेट्स के अंदर हैं, इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार. पंजाब हरियाणा ये तो हर में है, हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, हिस्ट्री सिंडिका में. एंड बैंडिकाटा बेंगलिस में क्या कह रखा है कि इंडिया के सभी स्टेट में है सिर्फ राजस्थान को छोड़कर. फिर आ जाएंगे अपीयरेंस, अपीयरेंस में क्या है, एक जो मस मस्कुलरिटिस है इसके बारे में दे रखा है कि सिर्फ मस मस्कुलरिटिस ही है जो सिर्फ ओमनिवोरस है और किसी के बारे में कोई स्पेसिफिक बात नहीं कह रखी. डोर्सली ये कैसे दिखते हैं, रेटस, मैं इनके नाम बार बार नहीं लूँगी, आप इनको एक बार नोट कर लीजिए ना कि ये कैसे दिखते हैं, ठीक है. रेटस मेलेटोडा है डार्क ब्राउन, ब्राउन रेडिश ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, तो देख रहे हैं हम डार्क ब्राउन बार बार रिपीट हो रहा है. हिस्ट्रिस इंडिका में क्या है कि डोर्सली और वेंट्रली नहीं दे रखा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर फर लाइक क्विल्स प्रेजेंट होती हैं, वो क्विल्स क्या करती हैं बॉडी को डोर्सली और वेंट्रली सेपरेट कर देती हैं, क्विल्स लाइक अपीयरेंस होगी. और वो क्विल्स कैसी हैं, ब्राउन और ब्लैक विद अल्टरनेट वाइट एंड ब्लैक बैंड्स. और ये कैसा है, डार्क ब्राउन, ग्रेइश वाइट, ठीक है. फिर है ब्रीडिंग, ब्रीडिंग टाइम क्या है, रेटस मेलेटोडा का दे नहीं रखा. और इन सब में क्या है, मस मस्कुलरिटिस में थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर. और मस प्लेटिथ्रिक्स में दे रखा है कि जनवरी से मार्च और अगस्त से नवंबर, ये इनके 6 से 7 महीने होते हैं जिसके अंदर ये अपनी ब्रीडिंग टाइम शो करते हैं. बैंडिकाटा इंडिका थ्रू आउट द ईयर,
हिस्ट्रिस इंडिका अप्रैल टू ऑक्ट एंड बैंडिकाटा बेंगलिंस ये भी है थ्रू आउट द ईयर। फिर क्या है अपना कि इसका हेड कितना है, इसकी टेल कितनी है, इसकी बॉडी कितनी है। वैसे तो होना चाहिए हेड का अलग देना चाहिए, टेल की अलग, बॉडी की जो ये है लेंथ ये अलग देनी चाहिए। तो रेटस मेल्टेडा में तीनों अलग अलग दे रखे हैं, आप देख रहे हो मैस मस्कुलर्स में तीनों अलग हैं। रेटस रेटस में क्या दे रखा है कि हेड और बॉडी मिलकर बनाती हैं 11 से 21 सेंटीमीटर की लेंथ, टेल करती है 12 से 20। रेटस नर्वेजिकस में दे रखा है कि हेड और टेल मिलकर बनाते हैं 20 सेंटीमीटर और बॉडी कितनी है 25 सेंटीमीटर। मस प्लेटीथ्रिक्स की कोई डायमेंशन नहीं दे रखी, क्या रखा है कि बॉडी मीडियम साइज की है। और बैंडिकाटा इंडिका में भी यही दे रखा है कि हेड और बॉडी मिलकर 22 से 360 सेंटीमीटर की हैं और टेल है इसकी 17 से 35 सेंटीमीटर। हिस्ट्रिस इंडिका हेड और टेल के बारे में, बॉडी के बारे में नहीं बता रखा, पर ये कह रखा है टेल जो है वो 1/5 है हेड और बॉडी के। और बैंडिकाटा बेंगलिस में भी दे रखा है कि हेड और बॉडी है 12 से 25 सेंटीमीटर और इसकी जो टेल है वो है 10 से 21 सेंटीमीटर। अब ये है कि फर कैसे हैं, वेरी सॉफ्ट एंड स्पाइनी इन रेटस मेलेटाडा, इन सब में प्रेजेंट ही नहीं है। फिर आता है हिस्ट्रिस इंडिका, इसमें फर नहीं है पर इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी की सरफेस से क्विल्स प्रेजेंट है जो फर लाइक होते हैं, सो इसमें नहीं है। फिर दे रखे लीटर साइड, लीटर होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, तो इसके दे नहीं रखे। मस मस्कुलस में 4 से 8, 6 से 8, 5 से 7, 3 से 10, 6 से 7, और इसका दे नहीं रखा हिस्ट्रिस इंडिका का। बैंडिकाटा बेंगलिस का है 6 से 12। फिर है अपना हैबिट्स, सारे ऑलमोस्ट नॉक्टर्नल 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 सारे ही नॉक्टर्नल हैं। और जो ये है सिर्फ रेटस नर्वेजिकस, ये मे बी एक्टिव रह सकता है दिन के टाइम। और बैंडिकाटा इंडिका का दे रखा है कि ये नॉक्टर्नल तो हैं पर साथ साथ में फोजोरियल हैं अपनी हैबिट्स में। और जो ये बैंडिकाटा बेंगलिस है ये कह रखा है कि बर्रो बनाएंगे जिसके अंदर 4 से लेकर 20 ओपनिंग्स रहेंगी उन बर्रोज के अंदर। और हैबिट्स क्या है इनकी कि ये जो हैं रेटस मेल्टाडा लिव इन सिंपल बर्रोज इन हैबिट्स कल्टिवेटेड फील्ड, ठीक है। और इसमें आगे मस मस्कुलटस में इनहैबिट हाउस होस्टल गोडाउन, रेटस रेटस में क्या है फॉर्म नेस्ट इन रूफ एंड ट्रीज फाउंड इन वार हाउसेज हाउसेज एक्सेट्रा। एंड देन रेटस नर्वेजिकस में क्या है कि ये सीवर में मिलते हैं, इसको स्पेशली सीवर रेट बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सीवर रेट, सो रेटस नर्वेजिकस इज नोन एज सीवर रेट। और फिर मस प्लेटीथ्रिक्स क्या होते हैं, इनहैबिट ड्राई फ्लूइड्स बैंक्स ऑफ पॉन्ड फॉर्म बर्रो एंड पाथवे, ये आप देख लेना, हाउस स्कूल्स बिग रॉकी एरिया एंड सैंड डंस क्रॉप फील्ड्स एंड गोडाउंस। एंड देन डैमेज क्या करते हैं ये सुकुलेंट प्लांट एंड स्टेम को करते हैं रेटस मेल्टाडा, और इसमें कोई नहीं, इसमें भी क्या कुछ नहीं करते। और जो ये हैं अपने रेटस नॉर्वेजिकस ये क्या करते हैं मेनली स्टोर ग्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और रेटस ये क्या है अपना बैंडिकाटा इंडिका ये करते हैं ग्रेन्स को ग्रासेस को वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड हिस्ट्रिस इंडिका करते हैं ओनियन एंड पोटैटो की क्रॉप्स को। तो ये कुछ थे अपने रोडेंट प्रोमिनेंट पेस्ट, और इसका हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ना था। अगर एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। जैसे हम अपनी लास्ट वीडियोस में पेस्ट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, शुगर कैन वीट पैडी वेजिटेबल स्टोर ग्रेन, इन सब में हमने टेबल बना के याद किया था, उसी तरीके से हम इसमें भी टेबल बना के याद करेंगे। इस वजह से अपने ये जल्दी याद होएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल में विजिट करना ना भूलिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कीप वॉचिंग। अगला पार्ट हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स टू ऑल।